हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नारियल की चटनी और इडली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। व्रत वाली इडली बनाने के लिए मैंने एक कटोरी समा के चावल ले लिए हैं और उसी कटोरी की आधी कटोरी मैंने साबुदाना लिया है। इन दोनों को हम भिगोकर रख देंगे पानी में। अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इसे हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। साबूदाना ने अपना पानी सोख लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें से मैंने एक्सेस वाटर निकाल दिया है। अब हम इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे। फिर मैंने आधी कटोरी दही ले ली। हम बैटर में दही डालकर ही पीसेंगे, पानी का यूज हम नहीं करेंगे। ये मैंने साबूदाना और चावल को पीस लिया है। ये देखिए, बैटर एकदम रिबन की तरह होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आज मैं इडली कटोरियों में बनाने जा रही हूँ, तो इसे हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे। सारी कटोरियों को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। अब बैटर में मैं ये इनो का एक सैशे डाल दूंगी। अगर आप इनो यूज़ नहीं करते हैं फास्ट में, तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। अब ये बैटर एकदम रेडी हो गया है, इसे हम कटोरियों में डाल देंगे। बर्तन ले लिया है, उसके अंदर पानी डालकर उसमें स्टैंड रख दिया है। ये हम एक प्लेट रख देंगे उसके ऊपर। इसके अंदर हम इडली वाली कटोरियां रख देंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे ढककर। जब तक इडली बन रही है, तब तक हम नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने फ्रेश नारियल लिया है। इसमें हम एक अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2 हरी मिर्ची। ये मैंने मूंगफली को रोस्ट करके ले लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। नारियल की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। इडली बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने थोड़ा देर ठंडा कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसे हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे। अब तड़का रेडी है, इसे हम चटनी में डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। इडली और चटनी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।